कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला पर्व छठ भगवान सूर्य को समर्पित है। सालों साल से मनाए जाने वाला पर्व छठ चार दिनों तक चलता है और इसे काफी कठिन पर्वों में से एक माना जाता है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रेमवध को लेकर है। कहते हैं कि राजा प्रेमवध के पास कोई संतान नहीं था। पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद से लोग छठ मनाते हैं। वही मान्यता है कि छठ महाभारत काल से ही शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कहा जाता है कि भगवान सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। छठ पर्व को हठ योग भी माना जाता है। इस कठिन पर्व की शुरुआत को लेकर कई कहानियों में से एक प्रचलित कहानी ये भी है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की उपासना काफी फलदायी मानी जाती है। छठ को लेकर कहा जाता है कि इसका उल्लेख रामायण में भी है। लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और भगवान सूर्य की आराधना की थी। छठ का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। बांस से बने सूप में प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से सबके जीवन में भरपूर मिठास भरने का काम करता है ये पर्व।